and welcome back to my YouTube channel. I am Ajay and you are watching Marine Book 28. So today here we are going to discuss about the difference between deck side and engine sides. बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि सर डेक साइड ज्वाइन करें या इंजन साइड ज्वाइन करें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ऑफ द जीपी रेटिंग के कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डेक साइड चूज कर सकते हैं और इंजन साइड भी चूज कर सकते हैं. तो इसमें आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी साइड चूज करनी है. तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर कौन सी साइड इसमें हम चूज करें तो अच्छा फ्यूचर रहेगा. तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप पहले सोचिए अपने बारे में कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है. अगर आप डेक साइड में अच्छे हो तो आप डेक साइड चूज करिए, अगर आप इंजन साइड में अच्छे हो तो आप इंजन साइड चूज करिए. इसके अलावा है आज की जो सिचुएशन है आज के अकॉर्डिंग, इफ यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द शिप, आप डेक साइड और इंजन साइड छोड़ दीजिए, अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप पास आउट हुए और आपको तुरंत ही किसी ने कंपनी ने कॉल किया आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे जाके अगर आप अपना ओपिनियन रखते हैं कि सर मुझे डेक साइड चूज करना है, मुझे इंजन साइड चूज करना है, मे बी वो आपको आपकी चॉइस दें कि आप किस साइड में जाना चाहते हैं. अगर आपको वहां पे अपनी चॉइस नहीं मिल रही है, आप चाह रहे हो वो चीज आपको नहीं मिल रही है, आप इंजन साइड में जाना चाहते हो और आपको वहां पे इंजन साइड की वैकेंसी नहीं मिल रही है, आपको डेक साइड की वैकेंसी मिल रही है, तो इस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप डेक साइड चूज कर लीजिए. और अगर आप चाह रहे हो आपको डेक साइड में जाना है और वहां पे आपको इंजन साइड की वैकेंसी मिल रही है तो फिर भी मैं कहूंगा कि आपको वहां पे डेक साइड छोड़ के इंजन साइड चूज कर लेनी चाहिए. क्यों? क्योंकि आज की सिचुएशन ऐसी है शिपिंग मार्केट की कि वहां पे आपको वैकेंसीज मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है. तो उस कंडीशन में आपको जो भी वैकेंसी मिले शिपिंग लाइन में आप वहां पर जाके वही वैकेंसी ग्रैब कर लीजिए. आपका फ्यूचर, अगर आप में एबिलिटी है तो आप किसी भी साइड में अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं. फिर अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको डेक साइड भी मिल रहा है और इंजन साइड भी मिल रहा है, वहां पे आपको कौन सी साइड चूज करनी चाहिए, तो वहां पे आपको अब सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट देखना चाहिए. और इंटरेस्ट के बिहाफ पे अगर आप वहां पे फ्यूचर देखेंगे तो फ्यूचर दोनों ही साइड में ब्राइट है. आप डेक साइड में अगर जाएंगे तो आप कैप्टन तक पहुंच सकते हैं, अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे एग्जाम्स पास करते हैं, फ्यूचर में जो भी कंपनी से एग्जाम होते हैं उनको क्रैक करने के बाद में आप कप्तान बन सकते हैं जहाज के. और अगर आप इंजन साइड में हैं तो वहां पे भी आप ऑयलर से लेके और आप चीफ इंजीनियर तक जा सकते हैं अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं और अच्छे से एग्जाम पास करते हैं. तो फ्यूचर दोनों ही साइड में आपको इक्वल मिलेगा, आपको दोनों साइड में ऊपर ग्रो करने का मौका मिलेगा. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, आप कैसे स्टडीज करते हैं अपनी, कैसे एग्जाम्स पास करते हैं. तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड अच्छी हैं आपके लिए. और अगर आप जहाज के बाद की बात करें, मीन्स जब आप शिप में गए और आपने डेक साइड चूज किया, इंजन साइड चूज किया और आपने कुछ सालों बाद आपने सोचा कि मैं शिपिंग लाइन छोड़ दूं और अपने घर पे आके अपना बिजनेस सेटअप कर लूं, तो वहां पे आपको बिजनेस सेटअप करने के मामले में आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिलेगा अगर आपने डेक साइड चूज किया. तो आप अगर डेक साइड चूज करते हैं और आपने शिपिंग लाइन छोड़ दी है तो आपके पास में एक ऑप्शन बचता है जहां पे आप मरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके टीचिंग कर सकते हैं. उसके अलावा आपको अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने को मिलता है, रेस्टोरेंट खोल लीजिए, होटल्स खोल लीजिए और कोई दूसरा बिजनेस सेटअप कर लीजिए. लेकिन उसके लिए आपको फुलफिल नॉलेज होनी चाहिए. वो नॉलेज आपको होती नहीं है क्योंकि आप शिपिंग लाइन के हो, आपको दूसरे लोग हायर करने पड़ेंगे. और यही अगर आप इंजन साइड में जाते हो और इंजन साइड में जाके आप अपना करियर अगर बीच में छोड़ते हो कहीं पे, अगर आपने सोचा कि मैं अभी शिपिंग लाइन छोड़ता हूं और अपना बिजनेस सेटअप करता हूं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप अपना गैरेज खोल सकते हैं, मैकेनिक शॉप खोल सकते हैं और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं मैकेनिकल की, उनमें काम कर सकते हैं. क्योंकि आपको इंजन साइड का नॉलेज है, आपको टूल्स का नॉलेज है, आपको मशीनों का नॉलेज है, तो वहां पे आपके लिए एक थोड़ा छोटा सा एडवांटेज आपको यहां पे मिल जाएगा कि अगर आपने शिपिंग लाइन छोड़ दी और आपको इंजन साइड में थे आप, तो वहां पे आपको सारी मशीनें जो भी जहाज में होती है वो सारी लैंड पे भी होती है, तो उन सब मशीनों के बारे में आपको नॉलेज रहेगा, आपको टूल्स हैंडल करने का नॉलेज रहेगा. तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको 100 रुपए अच्छी जॉब मिल सकती है और आप चाहो तो अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो जिसमें आपको भरपूर नॉलेज है टेक्निकल के बारे में, क्योंकि आप वहां पर काम करके आए हो जहाज पे मशीनों के बारे में, टूल्स के बारे में, तो वहां पे आपको नॉलेज रहेगी अच्छी खासी और वहां पे आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता. आप अच्छे से काम कर सकते हो, अपना खुद का सेटअप करके खुद भी देखभाल कर सकते हो. और वही अगर आप डेक साइड में जाते हो और आपके बिजनेस सेटअप करते हो तो वहां पे आपको लोग रखने पड़ेंगे आपके बिजनेस को देखभाल करने के लिए, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में इतनी नॉलेज नहीं होगी. तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, मैं छोटा सा डिफरेंस बताया आपको, बाकी ऑल डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी एंड योर इंटरेस्ट.
कोई भी अगर आपको और भी फ्यूचर्स में कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स।